नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग पे। मित्रों, आज हम एकादशी व्रत के बारे में बात करेंगे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किस दिन और कौन से डेट को और कौन सी तिथि को एकादशी कौन सी है, क्योंकि इस बार दो दिन एकादशी है। किस दिन किसको रहना है यह सब बताएंगे और संक्षिप्त रूप से पूजा की विधि बताएंगे। इस एकादशी के बारे में एक छोटी चर्चा हम आपसे करना चाहेंगे। इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। आज हम पंचांग लेकर बैठे हैं बनारस का, सारी चर्चा हम इसी पंचांग से आपके साथ करेंगे। पाप मोचनी एकादशी सुनने से ही लगता है कि पापों को खत्म करने वाली यह एकादशी है। छोटी सी बात है लेकिन ध्यान से सुनिएगा। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि अनजाने में या ना चाहते हुए हमसे गलतियां हो जाती है। मन आदमी का बड़ा दुर्बल होता है। कभी कभी हम अपने प्रिय को ऐसे कष्ट पहुंचाते हैं जिससे हमको बाद में बहुत पछतावा होता है। जैसे हम अपनी माँ को या कभी कभार अपनी पत्नी, पिता, भाई, मित्र, किसी को भी कष्ट पहुंचाते हैं या बिना उनके जाने हमने कोई ऐसी गलती की है जो हमारे लिए ठीक नहीं हो। इस कहानी को मैं आपको संक्षिप्त रूप में, सार रूप में सुनाता हूं। यह कहानी एक ऋषि और एक अप्सरा के बीच की है। ऋषि को अप्सरा अपने मोह जाल में फंसा कर अपने पास रखती है। जब मोह जाल का असर ऋषि के ऊपर समाप्त होता है, अप्सरा जाने लगती है, तो ऋषि अपने पिछले जीवन के बारे में मंथन करते हैं। तो मंथन करने के बाद उनके अंदर दुख और क्रोध दोनों आता है और वो अप्सरा को श्राप देते हैं कि तुमने मुझे अपने मोह जाल में फंसाया, जाओ तुम्हें प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। अप्सरा इस बात से बहुत दुखी हुई और क्षमा याचना करने लगी। उसने कहा, ऋषिवर, आप मेरे साथ इतने दिन रहे, मेरे ऊपर कृपा करें, इससे मुक्ति कैसे पाई जाए। ऋषिवर ने अपने तेज और प्रताप से देखकर बताया कि मुझे इस पाप से मुक्ति करने वाला कोई व्रत अगर दिखाई देता है तो वह एकादशी पाप मोचनी एकादशी है। अप्सरा इस एकादशी का व्रत रखती है और उसको मुक्ति मिल जाती है। यह बात होने से पहले ऋषि भी जब अपने पिता के पास पहुंचते हैं तो पिता ने देखा कि पुत्र के चेहरे का जो तेज था वह समाप्त हो चुका है और पिता ने महसूस किया कि मेरे पुत्र से कोई गलती हुई है, कोई चारित्रिक दोष हुआ है। तो ऋषि बरबस दुखी होकर अपने पिता से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पिता ने साफ कहा कि जिस एकादशी का उपचार तुमने उस नारी को बताया है वही एकादशी का उपचार आप स्वयं करो। यह एकादशी आपके जीवन में आपके द्वारा चारित्रिक कोई दोष हुआ हो, यह आपके हाथों से वह अपराध हुआ हो या कोई चोरी हुई हो, कोई भी ऐसी मानसिक समस्या जो आपके मन पर पत्थर के रूप में बैठी हो या आपके सीने में हरदम चुभती हो, तो आप इस एकादशी व्रत को कर आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आप पाप मुक्त भी हो सकते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आप व्रत रहें और पाप करते रहें और आपका भगवान माफ करेंगे। यह व्रत की व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो मन में पछतावा कर रहे हों और दोबारा न पाप करने की बात को सोच रहे हों और सोच रहे हों क्या ऐसा करें जो मुझसे हुआ है उसका पश्चाताप हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए यह एकादशी गोल्डन चांस है। इस व्रत में कुछ खास और अलग नहीं करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, भगवान विष्णु के पसंदीदा पुष्पों से उनका
उनको समर्पित करना है, अक्षत और दीप देना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, दिन भर नारायण की कहानी एवं नारायण की का चिंतन मात्र ही करना है। यह एकादशी आपको निषेध नहीं करती कि आप नमक न खाएं, आप फलहार का नमक भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी फलहार करें अति सूक्ष्म नहीं करें, इससे आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। कुछ ऐसे भी जातक होंगे जो व्रत करना चाहते होंगे लेकिन शायद सक्षम न हो, कारण बीमारी या कोई भी स्थिति हो सकती है। उनके लिए शास्त्र एक छोटा सा रास्ता बताता है कि कुछ कर सके या न कर सके, आप चावल का सेवन न करें और दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें और चिंतन करें, तो भी आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। अब हम आपको बताते हैं कि किस दिन पर है एकादशी। सबसे पहले चैत्र कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार अगर देखा जाए, पहली जो एकादशी 7 अप्रैल को है, दिन बुधवार को यह एकादशी है। यह एकादशी अश्मार्तों की है। अश्मार्तों और वैष्णव नाम दो एकादशियां होती हैं। अश्मार्तों का तात्पर्य है, पहले समाज दो पक्षों में बटा हुआ था, एक सन्यासी और पूर्ण रूप से धार्मिक लोगों में, एक सीधे सरल और किसान में बटा हुआ था। तो जो पहले सीधे सरल और गृहस्थ लोग थे वह अश्मार्तों की एकादशी रहते थे। जो उसके बाद अगली एकादशी पड़ती थी अर्थात 8 तारीख दिन गुरुवार को यह एकादशी है, इसको वैष्णों की एकादशी कही जाती है। इस दिन वो लोग रहते थे। यह 2 दिन की एकादशी है, एक दिन अश्मार्तों की, दूसरी वैष्णों की। इसमें कोई कन्फ्यूजन का विषय नहीं है। आप अपने बुजुर्गों से जब पूछेंगे तो हम लोग कौन सी एकादशी रहते थे, तो आपके बुजुर्ग आपको बता देंगे कि हम लोग कौन सी एकादशी रहते थे। लेकिन गृहस्थ से जुड़े हुए लोग अश्मार्तों की एकादशी रहते थे, और जो नारायण की सेवा में लगातार व्रत रहते थे, भगवान विष्णु के सेवा हर प्रकार से करते हैं, वो लोग वैष्णो एकादशी व्रत रहते हैं। यह एकादशी व्रत अपने आप में तमाम गुणों को लिए हुए है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा जो भी जातक यह वीडियो देखे वह अपने खास लोगों को यह वीडियो जरूर शेयर करे, साथ में कोशिश करे खुद भी व्रत रहे और लोगों को प्रेरित करे कि आप व्रत रहें। कुछ ना कर पाए तो चावल का निषेध जरूर करे और भगवान के दर्शन इस दिन मंदिर जाकर करें, जिससे साल भर में ऐसे जो मौके आते हैं उनसे आपके मन में शांति आए और आपके जीवन में सफलता और गुणवत्ता की वृद्धि हो। आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मेरे नंबर पर फोन करके बात कर सकते हैं। इस विषय पे जो भी बात होगी वह निःशुल्क होगी, उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। या अपने प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।